अयोध्या में राम मंदिर और उसकी वजह से जो बदलाव हो रहा है वो किसी को भी हैरान कर देगा। अगर आप 2 या 3 साल पहले अयोध्या गए थे तो आप अयोध्या को पहचान नहीं पाएंगे। बॉस पहुंचिएगा तो कहिएगा ये अयोध्या है जहां आए थे। मंदिर में श्रीराम के आगमन से पहले ही अयोध्या चमक रही है, दमक रही है। अयोध्या में वो सब बन रहा है जो किसी वर्ल्ड क्लास शहर में होता है। आस्था और विकास जब साथ मिलते हैं तो क्या होता है, अयोध्या इसकी गवाही दे रहा है। और नरेंद्र मोदी सरकार ने ताकत झोंक रखी है कि सिर्फ रामलला को की मंदिर के गर्भगृह में वापसी ना हो, सिर्फ उन्हें उनकी जगह ना मिले, बल्कि अयोध्या को जो जगह मिलनी चाहिए उसका जो सम्मान होना चाहिए वो भी। इस वक्त अयोध्या में सबकी नजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर टिकी है। सबसे पहले वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जहां पर राम भक्त अयोध्या में उतर पाएंगे। त्रेता युग में भगवान राम लंका विजय के बाद पुष्पक विमान में सवार होकर अयोध्या पहुंचे थे और अब अयोध्या एक बार फिर विमानों की उड़ान के लिए तैयार हो चुकी है। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के दिन जो मेहमान अयोध्या पहुंचेंगे उनके स्वागत की तैयारियां भी जोरों पर, जिसके लिए धर्म पथ के दोनों जगहों पर लगाने के लिए प्रवेश द्वार तैयार किए जा रहे हैं। इन प्रवेश द्वारों पर 7 घोड़ों पर सवार भगवान सूर्यदेव की प्रतिमा लगाई जाएगी। ये स्वागत द्वार इसलिए अहम है क्योंकि श्रीराम एयरपोर्ट से राम मंदिर की तरफ जाने वाला रास्ता धर्म पथ कहलाता है। ये देखिए वो जो तैयारी चल रही है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक भगवान राम सूर्यवंशी हैं, इसलिए अयोध्या में आने वाले श्रद्धालुओं का स्वागत करने के लिए सूर्यदेव की प्रतिमा लगाई जा रही है। राम मंदिर के उद्घाटन से पहले अयोध्या किस तरह राममय हो रही है अब उसकी कुछ तस्वीरें देखिए। अयोध्या में रोज शाम को लेजर शो का आयोजन किया जा रहा है। रात के वक्त लेजर लाइट शो की रोशनी से अयोध्या जगमगा जाती है। मतलब वहां जितने लोग अभी भी जा रहे हैं उनको लग रहा है कि कहां ही आ गए। एक तरफ लेजर शो चल रहा है, दूसरी तरफ 200 फीट से ज्यादा बड़े एलईडी स्क्रीन पर श्रद्धालुओं को राम कथा रोज दिखाई जा रही है। देखिए कितनी बड़ी स्क्रीन लगी हुई है, 200 फीट की स्क्रीन पर रोज राम कथा चल रही है अयोध्या में। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में दूसरे प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए भी डेडलाइन तय की जा चुकी है।